हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक कंडीशन जिसका नाम है पिनाइल फंगल इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी जिसको यूज़ करके आप इस बीमारी से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पिनाइल फंगल इन्फेक्शन को हम लोग कैंडिडा बेलेनाइटिस भी कह सकते हैं या फिर बेलेनाइटिस थ्रश भी इसको कह सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है लेकिन आजकल ये मेल में भी इक्वली प्रेजेंट होता है। फंगल इन्फेक्शन जब पेनिस में होने लग जाए तो उसे कैंडिडा बेलेनाइटिस कहते हैं। ये ज़्यादातर जो पेनिस का ग्लैंड्स पोर्शन होता है, जो हेड ऑफ पेनिस होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है ये बीमारी होने का। तो सबसे पहले तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हो तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई फीमेल के साथ अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो अगर उस फीमेल को फंगल इन्फेक्शन है तो आपको उनसे फंगल इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कैंडिडा बेलेनाइटिस एक फंगल इन्फेक्शन है, सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है लेकिन आप इसको एक एसटीडी नहीं कह सकते हो। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है क्योंकि विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी ये बीमारी फैल सकती है। तो अब मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि किन किन लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो सबसे पहले अगर आप कोई एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हो, बहुत टाइम से कोई एंटीबायोटिक खा रहे हो किसी बीमारी के लिए, तो उसके चलते भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरियाज़ के साथ साथ गुड बैक्टीरियाज़ को भी किल कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे पेशेंट को बेलेनाइटिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिन्हें HIV जैसी कोई बीमारी हो जिसमें पेशेंट का जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाए। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उन लोगों में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाती है। आप कह सकते हो कि एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई मेल अगर 40 से ऊपर की एज का है तो उनमें बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। 60 एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाती है ये बीमारी। इसके साथ ही साथ जिन मेल्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिनको हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो ऐसे लोगों में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाती है। हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपनी बॉडी का हाइजीन अच्छे से नहीं रखते हो, बहुत ही ज़्यादा पुअर हाइजीन है आपकी, तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मेल्स हैं वो ऐसे कहते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं, हमारे इंटीमेट पार्ट्स का बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं, उसके बाद भी हमको ये बीमारी क्यों हो रही है। तो उन लोगों को हो सकता है किसी चीज़ का एलर्जी होती हो, कोई भी जो परफ्यूम्ड सोप होता है या फिर कोई भी शावर जल होता है अगर आप उसका भी यूज़ करते हो तो उसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन सब केमिकल्स के वजह से जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाती है और उनको बेलेनाइटिस की समस्या होने लग जाती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पिनाइल फंगल इन्फेक्शन हो चुका है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहले तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, बहुत ज़्यादा उनको इचिंग फील होने लग जाता है। ज़्यादातर ये जो बर्निंग और इचिंग होता है ये पेनिस के हेड पोर्शन में होता है और जब भी ये पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद ये पेन और बर्निंग बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने लग जाता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। इसके साथ ही साथ जो ग्लैंड्स पोर्शन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, इन पेशेंट को वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में रैश लाइक बम्प्स होने लग जाते हैं जिनको पैप्यूल्स भी कहते हैं, उसमें पस भी होने लग जाता है। इसके अलावा पेशेंट को यूरिनेशन के टाइम में जब भी वो टॉयलेट जाते हैं उस टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। जिन मेल्स को डायबिटीज़ है उन लोगों में बहुत ज़्यादा वर्स सिम्टम्स देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है। तो इन लोगों में आप कह सकते हो कि कभी कभी इनको फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाता है, इनमें अल्सरेशन होने लग जाती है, इनकी जो फोर स्किन होती है वहाँ पे फिशर होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रैक होने लग जाते हैं। इस बीमारी का वैसे कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन अगर किसी पर्सन को ये डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, सीरियस हो जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर होने लग जाए तो उन मेल्स में जो यूरेथ्रा होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नैरोइंग होने लग जाती है, तो उन्हें यूरिन पास करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लग जाती है।
अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस डिजीज में यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑइंटमेंट्स हैं जो काफी अच्छा काम करते हैं, जैसे कि कैंथेरिस हो गया, कैलेंडुला हो गया। इसके अलावा कुछ डाइल्यूशन है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि थूजा हो गया, सल्फर हो गया। इसके अलावा आप एपिस मेलिफिका भी यूज कर सकते हो और रश टॉक्स को भी आप यूज कर सकते हो। इन मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में यूज करना होगा। इन मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है, 2 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। कम से कम आपको 2 से 3 महीना इन मेडिसिन को कंटिन्यूस यूज करना होगा, उसके बाद आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था पिनाइल फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम कैंडिडा बेलेनाइटिस भी कहते हैं। होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा इस डिजीज़ के बारे में कि ये क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता दिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।